एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल राइडर्स। तो गाइस, आज भी हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, तो सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ जा रहे हैं सूरज भाई? अपन भाई हताई जा रहे हैं, हम लोग खेड़ा। कितना दूर है यहाँ? और यहाँ से 15 किलोमीटर जाना है और 15 किलोमीटर आना है, तो हम लोग सब उधर ही जा रहे हैं। आज प्रैक्टिस हो चुकी है और गाइस राइड करने जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि एक उसका व्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि आज हम सब लोग बहुत मुश्किल से फ्री होके इकट्ठा मिले और आज मौसम भी खुला हुआ है। तो गाइस आगे राइड का मजा लीजिए। और आकाश भी अभी पानी पीने आया हुआ, वो आ रहा है उधर से, देखिए। हाय, हाँ वो आ रहा है। कैसा लग रहा है आकाश भाई? रोमांचक हम जा रहे थे तो आकाश कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं 14 किलोमीटर हताईखेड़ा डैम चाय पीने। सो लेट्स गो एवरीवन, चलते हैं। यो, सो सफर स्टार्ट हो चुका है। पूरी वीडियो देखना आप, अच्छी लगेगी आपको दिल से। तो गाइस ये यहाँ विवेक मिल चुका हमें, आ रहा हूँ। तो गाइस अभी हम ट्रेनिंग सेशन से आगे निकल चुके हैं, रोड दिखा देते हैं। ये है अयोध्या बाईपास बोला जाता है इस रोड को, और हम लोग थोड़ा आगे आ चुके हैं। ये आगे आपको टाइम लैप्स दिखाते हैं। और भी गाइस अभी आप जैसे देख सकते हैं, रोड पर बहुत ज़्यादा पानी है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो हम लोग इसलिए थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। लेकिन आपको पूरा व्यू दिखाते रहेंगे हम, और वहाँ पहुँचकर भी आपको बताते हैं। बस ये नॉर्मल राइड है, कुछ ऐसा खास नहीं है उधर भी, बस हम राइड कर रहे हैं, तो उसका हमने सोचा एक ब्लॉग बना लिया जाए, तो थोड़ा बहुत बेटर फील करें, इसलिए हम लोग राइड कर रहे हैं आज। भाई जिसे खानपुर चौराहा बोलते हैं, जैसे कोई नया है और उसको उस जगह जाना है, तो वो यहाँ से सीधा जा सकता है खानपुर चौराहा। ये यहाँ से सीधा ब्रिज ऊपर की ओर जाता है, जो कि अयोध्या बाईपास बोला जाता है जिसे। ये सीधा भाई इसके लिए माफी जाते हैं क्योंकि रोड पर है, तो ये सीधा अयोध्या बाईपास बोला जाता है इसे। ये आनंद नगर जाता है, यहाँ से आप सीधा सीधा जाएंगे आनंद नगर पिटलानी, और BHEL के लिए रास्ता सेफ है और अच्छा है। ठीक है, तो गाइस आगे की वीडियो आपको टाइम लैप्स के जरिए दिखाते हैं। तो गाइस हम बस थोड़ा दूर पहुंच चुके हैं, अभी तो बहुत जाना है हमको, ये बहुत दूर है। अभी से हालत ख़राब हो चुकी है, थक चुके हैं, पसीना बह रहा है, और सूरज भाई का हाल देखो क्या हो रहा है। और बाकी वो लोग तो बहुत पीछे चल रहे हैं, दिख ही नहीं रहे हैं।
रोड पूरा गीला हो रहा है, तो हम लोग उस रोड चल रहे हैं कि जाते हैं, चलेंगे तो कपड़े पूरे ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि स्टंट बाइसाइकिल में मटगाट तो होती नहीं है इस वजह से। तो ये सूरज भाई हटते हुए कुछ मैंने बोल दिया। लोग बाग हेटर थे वो हमारे, लेकिन हमसे नहीं बोल रहे थे। हम आ चुके हैं, पता नहीं माहौली बोलते हैं इस गांव को, इस गांव को बोलते हैं माहौली। तो हमारे कपड़े पूरे ख़राब हो जाएंगे, इस वजह से हमें बहुत स्लो चलना पड़ रहा है। समझ सकते हो, नहीं समझ सकते, दम नहीं कर सकते कुछ। तो गाइस हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। ये रहे, ये कितने सारे क्या करें यार, फेमस होना ही पाप हो गया आजकल तो। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन हम दूसरों को दिल नहीं दुखाते, सबसे मिलते हुए जाते हैं। तो गाइस मेरी गाड़ी अच्छी घूमती रहती है, मैं देते थे तो कुछ होते हैं जो लेके चले आते हैं, लेकिन घर पर रखते नहीं है, गलत है। हम साइकिल से घूम रहे हैं, कुत्तों को शर्म नहीं आती। हमारी फॉर्च्यूनर लेके चले हमारे, बस हमारी तरह जुड़े रहे। और इससे पहले का ब्लॉग है जो फर्स्ट चैप्टर है, उसको जाके देखे। तो गाइस मैं लगता हूँ ना स्मार्ट। क्या करें गाइस, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। इतना फेमस होने का भी कोई मतलब नहीं है, हम लोग भावों से मिल ही नहीं पाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो सूरज भाई कुछ कहना चाहोगे आप? मुझे अपने घर जाना है। भाई बस थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं। गाइस अभी हमने आपको बताया था जैसा कि बहुत बारिश हुई है, बट अब आप देखिए कि बारिश यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप रोड देख पा रहे हैं, पूरा सूखा हुआ है, यानी आधे से बारिश हुई है और आधे में बिल्कुल बारिश नहीं हुई है। तो अब हम थोड़ा स्पीडिंग करेंगे और आगे चल के आपको वहाँ की एक नंबर चाय दिखाएंगे। हम लोग इतने दूर से बस वहाँ पे चाय पीने जाते हैं, वो भैया से भी आपको मिलवाएंगे, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। हम लोग सब लोग पहुंच चुके हैं ये चाय लेने। तो भाई चाय टेस्ट करके बताओ कैसी है। खुशबू सुनिए गाइस। ठीक है, सो गाइस फाइनली इतनी मेहनत के बाद हम लोग यहाँ पर पहुंच ही चुके हैं। देखिए आप हालत देख सकते हो, यहाँ पर आगे हमने ये मटका रखा हुआ है, पानी वानी निकाल लिया, मुँह धोया है हमने, सरोवर गीला कर लिया थोड़ा। अब हमने बहुत सारे सब्जी में तो आगे करके,
हमारे 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे होने वाले हैं इस वीडियो में, शायद हो जाएंगे वो ये वीडियो हम अपलोड करें तब तक हो सकता हो जाए। तो गाइस आपको कोई भी पार्ट या कोई भी कमेंट इसमें अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और गाइस हम सबकी लिंक आपको इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और गाइस जैसे ही सपोर्ट करते रहिए, हमें 1000 होने वाले हैं, आकाश के भी 2000 से ऊपर हो चुके हैं फॉलो सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम पर, सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम पर। कैसा लगा मेरा मजाक? तो गाइस व्लॉग एंड करने का समय आ चुका है, बहुत थक चुके हैं हम लोग, बहुत लंबा, बहुत सूरज भी 15 किलोमीटर राइड करके आए अभी। तो गाइस हालत देख सकते हैं, दिखाओ उधर हालत दिखा इन लोग की। टॉनिक ले रहे हैं, सेक्सी लग रहा है, टॉनिक ले रहे हैं, टॉनिक ले रहे हैं चाय। और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए, ब्लॉग स्टंट राइडिंग कंटेंट्स और मॉडिफिकेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अनस्टॉपेबल राइडर्स को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की राइड और भी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर, हम लोग डेली अपडेट डालते रहते हैं वहाँ पर, सबकी लिंक इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बन जाए। और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा, अगर मेहनत अच्छी लगे हमारी तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबकी इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सबकी। तो गाइस इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और हमें अच्छा लगता है ये सब वीडियो बनाना और आप लोगों को वीडियो दिखाना जो भी हम चीज़ें करते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं गाइस। गाइस इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, हमारे ज़बरदस्ती नहीं है, बस ये है कि हमें अच्छा लगता है कि इसको शेयर करते हैं। और कभी हम मिलते हैं लोगों से तो वो लोग बताते हैं कि हाँ भाई आपका ये वीडियो देखा था, उसमें ये पार्ट बहुत फनी लगा था। तो ऐसे मोमेंट होते रहते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्द से जल्द हमारे सब्सक्राइबर पूरे करवाएं। बंद करते हैं।